सब सर्व करेंगे शुरू कर। जन गण मन भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, चल यमुना गंगा ओ चल चल सितरंगा। जय जनगण मंगल नायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पार्टी में संगठन चालू हो जाते हैं और यही संगठन चुनाव के माध्यम में न्यू दिल्ली अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वहां से और ये प्रवास करके उन्होंने बहुत सारे प्राथमिक सदस्य, लेकिन उनके अवधि के बाद हमारे बूथ की रचना हो गई है और जो हमारे मंडल 15 मंडल है, आज हम चुनाव अधिकारी को निवेदन करेंगे कि जहाँ जहाँ नाम डिक्लेयर करेंगे वो प्रक्रिया वासुभाई के संबोधन के बाद वासुभाई कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, समिति के सदस्य हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, प्रदेश के समिति के लोग हैं, उस बूथ में रहने वाले लोग हैं, एक ठहराव बात है। प्रदेश कार्यकारिणी हो, राज्य कार्यकारिणी हो और ये कार्यकारिणी के मदद से, जैसे कि प्रदेश कार्यकारिणी है तो ये कार्यकारिणी हम लोग प्रदेश में क्या क्या राष्ट्रीय खराब जो होते हैं, जैसा हम लोग कभी देख रहे हैं कि एनआरसी का है, सिटीजन अपडेट अभियान है और जो योजना है, जो योजनाओं के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, ये योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाना ये हमारी पार्टी की मुख्य भूमिका है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज के इस अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रदेश के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी ने भी आप सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना दी है। संगठन मंत्री के आदेश अनुसार उन्होंने जितना कार्यक्रम बोला गया है, ये हम सब आप मिलके ये कार्यक्रम हम सब कर रहे हैं। आज दमन के मंडलों की कुछ घोषणा होने वाली है। दमन के शहर मंडल और ग्रामीण के मंडल मिला के जितने मंडल हुए हैं, इसमें यूनिनियमस इस मंडलों में एक एक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे चुनाव अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने की है। बनने के बाद कोई कार्यक्रम बने तो अच्छा कार्यक्रम हो, ऐसा सब कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने के बाद वो फिर एक अच्छी बैठक लेने वाले। उनको थोड़ा ताली से पता है, नया संगठन का कार्यमंडल से मंडल अध्यक्ष जयंती भाई पटेल। नितिन भाई धन्यवाद। अभिनंदन नीरेन भाई। सब लोगों ने वैसे तो बहुत अच्छा काम किया, सभी कार्यकर्ताओं ने, पूरी किताब भरी थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा काम किया था। तो मैं सबसे पहले 4-5 कार्यकर्ता का नाम लूंगा। तो हमारे संगठन पर्व के 2 इंचार्ज थे मय सागरिया और बालू भाई पटेल, साथ में मनोज नायक प्रदेश के पदाधिकारी को निवेदन करूंगा, उन कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। रुक्मणी बहन और हीना बहन दोनों बहनें आएंगी, जिन्होंने सदस्य संख्या में बहुत अच्छा काम किया था। जयेश भाई पटेल और विमल पटेल, उन्होंने भी अच्छा, मुझे लगता है विमल और जयेश अगर है तो ठीक है। शहर का अच्छा कार्यकर्ता है मोरे और शिव कुमार आएंगे।
आपका भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के लिए चर्चा हुई थी, तो आप भी आ जाए। जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई श्री वासुभाई पटेल, महामंत्री श्री बालूभाई पटेल, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्री मनोज भाई नायक, हमारे भाजपा के वरिष्ठ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हीर भाई माझी जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष सोनम बेन जी, जिला के अध्यक्ष भाई श्री दीपेश भाई, मंच पर आसीन महानुभाव यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के बूथ के, मंडल के, जिला के एवं प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भाइयों, बहनों, साथियों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं हमारे संघ प्रदेश दमन एवं दीव के उनसठवें मुक्ति दिवस के पावन पर्व के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दमन दीव की ओर से हमारी दमन दीव की जनता को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, जब हम आज यहाँ पर उनसठवां मुक्ति दिवस मना रहे हैं, तब मैं बिल्कुल ये कहना जाहिर समझता हूँ कि 450 साल के पुर्तगाली शासन के बाद आज ही के दिन 1961 में भारतीय सेना ने और खासकर मराठी इन्फेंट्री के हमारे जाबाज जवानों ने और हम सब के आदरणीय स्वतंत्र सेनानियों ने इस प्रदेश को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। मैं आज के इस पावन पर्व के ऊपर उन्हें याद करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जब हम आज 59वां मुक्ति दिवस मना रहे हैं, तब हमें बिल्कुल 58 वर्ष को याद करना चाहिए। हमारे प्रदेश ने अनेकों कठिनाइयां, परेशानियां और चुनौतियों का सामना किया। आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश ने इतने सालों के अंदर जो प्रगति की, उनमें सभी की सहभागिता रही है, दमनदीव की जनता की रही है, सभी पक्षों की रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की रही है, समाज सेवी संस्थाओं की रही है, उन सभी को भी मैं आज याद करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों, हमारे इस संघ प्रदेश ने अनेकों पड़ाव देखे। 1961 में जब हम मुक्त हुए, उसके बाद गोवा के साथ का दौर भी हमने देखा है। 1987 में जब गोवा राज्य बन गया, तब हमारा संघ प्रदेश एक स्वतंत्र संघ प्रदेश के रूप में भी कार्यरत रहा, और आज के दौर के भी हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं दोस्तों, कि जब संघ प्रदेश दमन और दीव और दादरा नगर हवेली का विलीनीकरण आज हो रहा है। दोस्तों, इन कई सारे पड़ाव को पार करके प्रदेश यहां तक पहुंचा है, तो मैं कहूंगा कि हमारे प्रदेश की प्रगति में 2014 के बाद जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर 2014 से लगातार हमारे संघ प्रदेश के ऊपर रहम नजर रखी गई। भारत देश में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जब मोदी जी आगे बढ़ रहे थे, संकल्प और सिद्धि के साथ वो जब नए भारत का न सिर्फ सपना देख रहे थे, अभी तो उसको जब साकार कर रहे थे, तब दमन दीव से अछूता नहीं रहा है। हमारे प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि 2014 के बाद लगातार ऐसे कुछ कार्य यहाँ पर हुए, विकास की ऐसी ऐसी हमने कार्य को हाथ करे जो शायद हमने सिर्फ कल्पना की थी या तो फिर उसका सपना देखा था। आज जब प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर से नए भारत की बात करते हैं, तब हम नए दमन और नए दीव की ओर भी आज अग्रसर हो रहे हैं। और मैं बिल्कुल आज कहना चाहता हूं कि 2016 में जो भारत सरकार की ओर से जो यहां पर संघ प्रदेशों में जो व्यवस्था थी, एक आईएएस अधिकारी को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने की, उसे बदल
पर और तेजी से और गति से यहाँ पर विकास होकर के पॉलिटिकल अपॉइंटी को यहाँ पर प्रशासन के तौर पर नियुक्त किया गया। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि 2016 में जब से यहाँ पर दमन की दादागर हवेली में प्रशासक के तौर पर प्रफुल्ल भाई पटेल की नियुक्ति हुई है, इस प्रदेश ने अनेकों क्षेत्र में प्रगति की है। मैं बारंबार सभी कार्यक्रमों में कहता आया हूँ, आज जब यहाँ पर नए कार्यकर्ता भी मौजूद है, हमारे वासुभाई पटेल जी ने बहुत ही विस्तृत में हमें संगठन के बारे में जब जानकारी दी, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा प्रदेश में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, आज प्रगति के मंच पर जो हमारा ये प्रदेश अग्रसर है, जो भारत सरकार द्वारा एवं दमन दीव दादानगर हवेली प्रशासन द्वारा जो अनेकों कार्यक्रम और प्रगति की विकास और उन्नति के लिए जो कार्यक्रम लिए गए हैं, उन्हें हम सबको याद करने की आवश्यकता है। हमने ये भी देखा कि कई सारे मामलों में हम सिर्फ डिमांड किया करते थे, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 2016 के बाद जिन जिन बातों को सिर्फ हम दोहराते थे, बार बार कोई भी नेता हमारे प्रदेश में आते थे तो हम सिर्फ मांग किया करते थे, वो सारे काम और सारे प्रगति के जो भी विकास के कार्य है वो हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारे भारत के गृह मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने करके दिया। छठवे हमारे दमन दीव तथा गोवा के आज मुक्ति दिवस के इस पावन अवसर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहां पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ध्वजारोहण के बाद यहां पर जो भी हमारे जो अभी संगठनात्मक जो चुनाव संपन्न हुए और जिसमें हमने मंडल अध्यक्ष बनाए उन सभी का यहां पर स्वागत किया। उसी के साथ साथ हम हमारी पार्टी से जो लोग यहां पर जुड़े उनको भी आज खेस पहनाकर स्वागत किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठनात्मक चुनाव के लिए दीपेश टंडेल जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उन्होंने समझाया, उसके बाद हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई श्री वासुभाई पटेल जी ने संगठन के लिए और संगठन की मजबूती के लिए पूरी उन्होंने नए आए हुए कार्यकर्ताओं का हौसला भरा। और उसी के साथ मुझे ये दायित्व दिया गया था कि मैं कुछ हमारे प्रदेश की जो गतिविधियाँ है, संघ प्रदेश ने 1961 के बाद जो भी प्रगति की है, उन्नति की है, उसके बारे में कुछ कहूँ। उसके साथ 2014 के बाद जो संघ प्रदेश में जो बदलाव हुए और जो केंद्र सरकार द्वारा एक रहम नज़र यहाँ पर रखी गई और ऐसे ऐसे कार्य ये जो सिर्फ हमारी कल्पना में थे या फिर हमारे सपनों में थे, तो ऐसी सब कार्यक्रम के लिए मैंने विस्तृत में हमारे कार्यकर्ताओं को समझाया। साथ ही जो अभी सबसे बड़ा जो हॉट इश्यू अभी जो हमारे भारतवर्ष में चल रहा है वो है नागरिकता जो संशोधन कानून जो 2019 जो अभी पारित हुआ, उसके बारे में मैंने समझाया कि उससे ये जो कानून है वो लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी को छीनने का। इसीलिए उसके कोई भी विपक्ष द्वारा फैलाई गई कोई भी भ्रांति में लोग ना आए और ये कानून सबको अधिकार देने की बात करता है। हमारा देश एक बहुत ही पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ और हमारे देश ने हमेशा ऐसे शरणार्थियों को आसरा दिया है, तो आज इस कानून के बनने के बाद हमारे देश ने जो हजारों लाखों जो रेफ्यूजी यहाँ पर जो धर्म से प्रताड़ित किए गए थे इन तीन देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, ऐसे जो छह धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन, उन सभी को जो शरणार्थी जो थे जो 2014 31 दिसंबर से पहले यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में ऑलरेडी आ चुके थे, उनको अधिकार देने का ये कानून है। इसलिए कोई भी भारतवर्ष के कोई भी धर्म का व्यक्ति को इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी भाषणों में और टीवी के ऊपर इंटरव्यू में भी ये कहा है कि हमारी जो सरकार है वो सभी को समान अधिकार को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध है, उसके ऊपर वो कार्यरत है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज के दिन इस बारे में एक कार्यशाला के रूप में हमारे नए जुड़े कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता सभी को इस बारे में समझाया गया और विशेष तौर पर आज आदरणीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने आज ये घोषणा की है कि दमन दीव और दादानगर हवेली का जो विलीनीकरण की जो बात लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुकी थी उसकी घोषणा भी भारत सरकार द्वारा शाम तक हो सकती है। तो आज हमारे लिए बड़ा ही विशेष दिन है कि दो ताकत एक साथ हो रही है, आने वाले दिनों में दुगनी हम लोग तरक्की करेंगे और ये जो प्रदेश है वो प्रदेश प्रगति के पंथ पर अग्रसर होगा। और साथ ही हमने ये भी घोषणा की, ये दोहरा ही घोषणा हमने, कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही कि हमारे संघ प्रदेश में विधानसभा दी जाए, तो उसके लिए वापस हमने ये बात दोहराई है कि दमन दीव दादरनगर हवेली जब आज एक हो चुका है तो हमारी पार्टी बिल्कुल प्रयत्नशील रहेगी कि आने वाले दिनों में हमें विधानसभा मिले और हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। धन्यवाद।
होटल रिवांटा होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज वी हैव एस्थेटिकली डिजाइन कंफर्टेबल एंड यूनिक इंटीरियर इन आवर रूम्स रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा Experience the new luxury with comfort and quality.
होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन। मच्छर तमारो दुश्मन छे। चेपी मादा एडिस इजिप्ती मच्छर ना करड्याना 4-7 दिवस मा डेंग्यू थई शके छे। आ मच्छर पर सफेद टपका अने सफेद लीटियो होय छे, जे चोखा अने शांत पानी मा ईंडा मूके छे। ते दिवसे वधारे सक्रिय होय छे। डेंग्यू ना लक्षणो: भारे ताव आवो, माथा, आँखो, स्नायु अने सांधा मा दुखावो, भूख ओछी थवी, उल्टी थवी अने शरीर पर लाल चका मा पड़वा। डेंग्यू ना कोई पण लक्षण देखाता तरत ज डॉक्टर ने बताओ अने डॉक्टरे सूचवेल सारवार शुरू करो। आवा समय वधारे मात्रा मा पानी, प्रवाही संतुलित आहार लेवो। मच्छर थी बचवा मस्किटो रेपेलेंट नो उपयोग करो। दवा युक्त मच्छरदानी वापरो। बारी नी फरते जाली लगाओ अने मच्छर मारवानी दवानो छंटकाव करो। मच्छर नो विकास अटकाववा पानी भरवाना वासण ने नियमित रीते घसीने चोखू राखो, जेथी डेंग्यू ना ईंडा नाश पामे। कूलर मा जमा थतुं पानी अने फूलदानी नुं पानी काढी रोज बदलो। नकामी बॉटल्स, टायर मा जमा पानी नो निकाल करो। सांज पड़ता पहला बारी बारणा बंद करी दो। आखुं शरीर ढंकाई शके तेवा कपड़ा पहेरो। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी। रिद्धि सिद्धि भवानी ज्योति 9824756528। वगर पूछे दिल नो हाल जानो। सौथी प्रख्यात 11 वर्ष थी स्थायी फेमिली वाला पंडित जी ए टू जेड समस्यानो 151% गेरंटी थी एक ज मुलाकात मा 24 कलाक मा निकाल, 5 कलाक मा मोहिनी वशीकरण, 7 कलाक मा घर मा सुख शांति, 9 कलाक मा मैली वस्तु थी मुक्ति, 11 कलाक मा दारू छोड़ावो। समस्या छे तो समाधान पण छे। अमे कहता नथी, करीने बताविए छे। तंत्र मंत्र, देवी शक्ति अने चैलेंज थी काम करनार सचोट निवारण, मोहिनी वशीकरण, संतान प्राप्ति, लव प्रॉब्लम, मूठ चोट ना खास जानकार, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, घर कंकास, लग्न मा विलंब, नौकरी धंधा मा ग्राहक मा रुकावट, पति पत्नी मा अणबनाव, छोकरा छोकरी घरे थी नासी गया होय, कर्ज मुक्ति, लग्न ना घणा समय पछी बाळक न थतुं होय, मैली वस्तु थी हैरानी, कोर्ट कचेरी, भणतर मा कमजोर, लक्ष्मीबंधन, धारेली व्यक्ति साथे मिलाप, शत्रु नो नाश, सौतन थी दुखी, सासरियानो त्रास, पति थी दुखी, गुप्त बीमारी, व्यसन मुक्ति, फेक्टरी अने कंपनी मां नुकसान, उघराणी, छूटाछेड़ा, जमाईनो त्रास, धारेला कार्यमां निष्फळता, विदेश योग, वजन घटाड़वा, खानगी फेमिली प्रॉब्लम, घोड़ानी नाळ, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, राशिग्रहोना नंगनी अंगूठी, दरेक धर्मना यंत्र तावीज सिद्ध करेला मळशे, दरेक धर्मनुं कार्य गेरंटीथी करवामां आवशे। પ્રેમમાં દોગો ખાધેલા પ્રેમી પંખીડા પ્રેમ મિલન માટે તાત્કાલિક મળો, અમારા કામની લાઈફ ટાઈમ ગેરંટી રહેશે, અમારું કરેલું કોઈ તોડી ન શકે, રાજ ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા, બધા જ્યોતિષનું કરેલું વારંવાર, મારું એક જ વાર, પિતૃદોષ, કાલસર્પદોષ, મંગલદોષ નિશાંતિ પૂજાવિધિથી કરવામાં આવશે, કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ અને હસ્તલેખિત જન્મકુંડળી તાત્કાલિક બનાવવા અને જોવામાં આવશે। રિદ્ધિ સિદ્ધિ ભવાની જ્યોતિષ, શિવકૃપા બિલ્ડિંગ, બીજા માળે, ભાનુ હિલ્સ ટાવરની સામે, જૂની સી ટાઈપ, છીરી રોડ, વાપી। મોબાઈલ નંબર 9824756528। लाओ बिजली बचाओ।